हमास और इसराइल का युद्ध बहुत से मोर्चों पर चल रहा है, लेकिन जिस फ्रंट पर सबसे ज्यादा आग लगी है उस मोर्चे पर तीन लोग बहुत बड़े न्यूज मेकर बन चुके हैं। इन्हें लेकर जो खबरें गर्म हैं उसने नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। पहला है हमास चीफ याह्या सिनवार, जिसने जॉर्डन में हमास पार्ट 3 की शुरुआत कर दी है और यही इसराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। दूसरे हैं इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इसराइल की 100% गारंटी है। तीसरे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनी तो इसराइल 2 साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा। सबसे पहले बात जॉर्डन की, जहां वेस्ट बैंक और एलएनबी ब्रिज क्रॉसिंग पर एक ट्रक ड्राइवर ने इसराइल के 3 सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून डाला। ये ट्रक ड्राइवर जॉर्डन की तरफ से आया, अपनी गाड़ी से उतरा और बॉर्डर गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जबकि हमलावर भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हमलावर जॉर्डन का माहिर अल जाजी एक ट्रक ड्राइवर था। उसे हमास ने अपना हीरो बताया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या जॉर्डन में हमास पार्ट 3 लॉन्च हो चुका है। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब नेतन्याहू के ऊपर 3-3 हमास मंडराने लगे हैं। गाजा में हमास पार्ट 1, वेस्ट बैंक में हमास पार्ट 2 और अब जॉर्डन में हमास पार्ट 3 इसराइल का तीसरा बड़ा दुश्मन बन चुका है। इन तीनों हमास से नेतन्याहू कैसे छुटकारा पाएंगे? इजरायली सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। इजरायल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ माहिर अल जाजी को अपना नायक बता रही है। फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर जॉर्डन में बड़ा समर्थन है और गाजा में बमबारी के खिलाफ यहां लगातार प्रदर्शन भी होते रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन ने जॉर्डन की सरकार को भी हिला कर रख दिया है। الأردنيين ينظرون أنهم جزء من هذا المشروع من هذا التحرير وذلك لقول لنتنياهو لقد زال كيانكم لقول لنتنياهو أن كيانكم زائل وأنه لا حل لكم إلا بالعودة إلى البلدان التي جئتم منها لا مكان لكم في فلسطين. كيا جوردن مي اب إسرائيل كي خلاف نئي چنگاري شولو مي تبديل ہوگی؟ क्या जॉर्डन की पब्लिक अपनी सरकार को इसराइल पर दबाव डालने के लिए मजबूर करेगी? क्या ये प्रदर्शन साबित करता है कि अब हमास का ऑपरेशन अब जॉर्डन से भी शुरू हो जाएगा? هذه العملية تؤكد أن هذه المعركة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم. هذه معركة الأمة ومعركة الأردنيين. والتهديد لغزة وللضفة هو تهديد للأردن. وكما قال وزير الخارجية إنها اعلان حرب فان كانت اعلان حرب فماذا نحن فاعلون اين التجنيد الاجباري ویسٹ بینک اور جارڈن کے بارڈر پر ہوئے حملے کے بعد عمان اور باقی علاقوں میں اسرائیل کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یہ صاف صاف نیتنیاہو کو میسج ہے کہ ان کے خلاف اب جارڈن میں ایک نیا مورچہ کھل چکا ہے جسے حماس پارٹ 3 کہا جا رہا ہے اب تیسرے مورچے پر ایسے حملوں کو روکنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ بات نیتنیاہو سے زیادہ بائیڈن کے لیے بہت بڑے تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے فیلحال پشچم ایشیا کی میڈیا میں اسرائیل کے پورو پردھان منتری ایہود براق کے ایک بیان سے بہت زیادہ چرچہ ہے اسرائیل کے حیوم اخبار کو دیئے انٹرویو میں نیتنیاہو کو لے کر کے ایہود براق نے بہت سخت بات کہہ دی ہے ایہود براق نے کہا ہے کہ سچ بہت کڑوا ہے اسرائیل نہ 7 اکتوبر کو جیتا نہ اسرائیل موجودہ یدھ جیت رہا ہے سچائی یہ ہے کہ ہم ہار کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں اب اس بیان کا مطلب کیا نکالا جائے کیونکہ ٹارگٹ پر تو صاف صاف نیتنیاہو ہیں یدھ ہارنے والی بات سن کر اسرائیل میں تناؤ بڑھنے لگا ہے اپنے پورو پردھان منتری کی بات نے نیتنیاہو اور ان کے سرکار کو بہت بے چین کر دیا ہے اور اب یہ بے چینی اسرائیل کی فوج میں بھی پھیل سکتی ہے اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔
इसीलिए रक्षा मंत्री यो गैलेंट को गाजा के मोर्चे पर जाकर बताना पड़ा कि ऑल इज वेल, इसराइल युद्ध हारने नहीं जा रहा। यो गैलेंट बार बार इसराइल के मोर्चे पर जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सैनिकों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एहुद बराक ने इसराइल में खतरे की घंटी बजा दी है। גם לחסל את החמאס וגם להחזיר את החטופים, ואנחנו על העניין הזה בכל הכוח. במקביל לנושא הזה, אנחנו מסתכלים על כל הזירה, וזה אומר שבזמן שאתם נלחמים כאן בעזה, אנחנו נערכים גם לכל דבר שיכול לקרות בצפון. אפנה דיקה, פהלה ניוז מייקר, חמאס צ'יף יחיא סנוואר, ג'סנה ג'ורדן מי חמאס פארט 3 כשרוואת קרדיה. אפנה דוזרי ניוז מייקר קו דיקה, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इजराइल की 100% गारंटी है। अब देखिए, तीसरे न्यूज़मेकर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनी तो इजराइल 2 साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा। इजराइल के मिटने और खत्म होने की चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। If Kamala Harris wins, terrorist armies will wage an unceasing war to drive Jews out of the Holy Land, and you know it. And we've had a great relationship with Israel. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला ने इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की है। इस दौरान जनरल कुरिल्ला को बताया गया कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक में ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ईरान के खतरे को लेकर भी बहुत सी बातें की गई है, क्योंकि ईरान ने अब तक हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर का बदला नहीं लिया है। ये मीटिंग साफ साफ बता रही है कि तेहरान को लेकर तेल अवीव में बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। इस वक्त इसराइल और अमेरिका की ऐसी मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी अपने कमांडरों को एक चेतावनी भरी सलाह दी है। खामनेई ने कहा है कि दुश्मनों पर कभी यकीन नहीं करना, चाहे समझौते को लेकर कितनी भी बातें क्यों ना की जाए। उम्मीद न बंदी बड़े برنامه ها مون منتظر موافقت دشمنان کسانی که با ما این منافات نداره، با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید. इसलिए पश्चिम एशिया के आसपास का इलाका इस वक्त उबल रहा है। क्या फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है? उबलते समंदर में कोई है जो तेजाब डालकर यहाँ युद्ध करना चाहता है? 4 देशों के नाम लिए जा रहे हैं, ये है ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश सितंबर के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या सितंबर के महीने में ईरान और इसराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है, और इसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल होने जा रहे हैं? अगले 48 घंटे ईरान और इसराइल दोनों के लिए बहुत अहम हैं। फिलहाल अगला एक्शन क्या होगा, इसका पूरा कंट्रोल ईरान के पास भी है और इसराइल के पास भी है। इसराइल में अमेरिकी जनरल कुरिल्ला का दौरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त इसराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है, और इस फैसले के टारगेट पर हमास नहीं बल्कि ईरान होगा।